अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एपेटाइट। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके सामने जो लेकर आई हूँ, मैं जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि लास्ट वीडियो में कि मैं बहुत जल्द आपके सामने फूड ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, तो लीजिए मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और आज जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो है मेरी फेवरेट डिश मोमोज। और ये मैंने यहाँ पर 4 टाइप के मोमोज ऑर्डर किए हैं। ऑर्डर कहाँ से किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी और उसकी लोकेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सबसे पहले मैं अनबॉक्स करने जा रही हूँ। फर्स्ट है मेरा शेजवान मोमोज, एंड सेकेंड है मलाई मोमोज, एंड थर्ड है मेरा तंदूरी मोमोज, एंड फोर्थ है कुरकुरे मोमोज। तो जैसे कि आप इसकी पैकेजिंग देख रहे होंगे, ज़बरदस्त पैकेजिंग है और ये काफ़ी अच्छी तरह से पैक किया है इन्होंने। और इसके साथ इन्होंने बहुत सारी चटनी दी है, ये इसमें अनियन दिया है, एंड ये इसमें आई थिंक मेयोनीज़ है, इसमें काफ़ी सारी वेजेस डली हुई हैं। और ये है मोमोज के साथ जो स्पेशल चटनी होती है, रेड वाली जो टैंगी होती है, आपने खाई होगी शायद। और ये है ग्रीन चटनी, तो जो भी चटनी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। वैसे तो स्टीम मोमोज आप लोगों ने, बेसिक मोमोज सब ने खाए होंगे, आपको सब जगह गली में स्ट्रीट में आपने देखा ही होगा। बट ये जो मोमोज में वेरिएशन है ये मैंने सबसे पहले यहाँ पर ट्राई किया। आई डोंट नो कि ये वेरिएशन मोमोज का किसने स्टार्ट किया, लेकिन मैंने जो सबसे पहले मोमोज खाए थे वो यहीं के थे। तो चलिए दिखाती हूँ आपको। तो व्यूवर्स, ये शेजवान मोमोज हैं। इसकी वीडियो मुझसे मिस हो गई थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, इसका टेस्ट भी टैंगी है और ये जस्ट शेजवान चटनी में इसको ऐड करके बनाया हुआ है। तो चलिए, ये फर्स्ट वाला मोमोज तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, अब मैं सेकंड अनबॉक्स करती हूँ। ये है हमारा मलाई पनीर मोमोज। यस, ये देखिए इसकी जो मलाई है, इसमें जो मेयोनीज़ है वो काफ़ी सारी मेयोनीज़ डाली हुई है इन्होंने, काफ़ी सारा इसमें क्रीम है, इसको पूरा लपेटा हुआ है और इसमें ऊपर से अनियन भी है। अब इसको मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि इसमें स्टफिंग किस चीज़ की है। ऑब्वियसली इसमें पनीर ही होगा क्योंकि हमने मलाई पनीर मोमोज ही ऑर्डर किया था। ये देखिए, यस, इसमें पनीर है, काफ़ी सारा भरकर पनीर डालने में इन्होंने कोई भी कंजूसी नहीं की है। मैं इसका भी बाइट करती हूँ और आपको टेस्ट बताती हूँ इसका। ये काफ़ी काफ़ी टेस्टी है, मुझे लग रहा है कि मुझे सबसे ज़्यादा यही वाला पसंद आने वाला है। तो चलिए अब मैं थर्ड अपना बॉक्स खोलने जा रही हूँ। इसमें है, इसमें कौन सा खोलना चाहिए मेरे को, ये है मेरा तंदूरी मोमोज। ठीक है जी, ये देखिए पैकिंग तो ज़बरदस्त है ये, और बाकी मोमोज तो आप देख ही रहे हो। ये इसका, इसमें इन्होंने, मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारा इसमें बटर है, इसकी जो अरोमा आ रहा है वो बटर का आ रहा है और अनियन भी है। और इसको तंदूर में इसको काफ़ी अच्छी तरह से इसको रोस्ट करते हैं, उसके बाद स्टफिंग तो इसमें शायद पनीर की ही है। इसको मैं आपको खोलकर दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें भी पनीर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पनीर डाला हुआ है इसमें। और पनीर में ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फीका लगेगा, ये काफ़ी स्पाइसी पनीर है। और उसके बाद इसको ऊपर से इन्होंने काफ़ी बटर में इसको नहला दिया है, दिल खोल कर इन्होंने इसमें बटर डाला हुआ है। और चलिए मैं इसका भी टेस्ट करके आपको बताती हूँ फटाफट से। इसका टेस्ट भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इन मोमोज का टेस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सीरियसली ये बहुत ही डिलीशियस है, सीरियसली। तो चलिए व्यूअर्स, अब मैं अपना लास्ट बॉक्स ओपन करने जा रही हूँ और ये है मेरा फेवरेट मोमोज, ये है मेरे कुरकुरे मोमोज। और ये मैं आपको बता दूं, ये येलो बाउल की स्पेशलिटी भी है, ये उनके सबसे स्पेशल मोमोज में से आते हैं और मेरे भी स्पेशल मोमोज हैं ये। और ये देखिए पास से, ये काफ़ी ऊपर से देखने में क्रिस्पी एंड क्रंची लग रहे हैं। ये देखिए, अब मैं इनको तोड़कर आपको बताती हूँ ये कितने क्रंची हैं, आप देखिए। ये एक्चुअली जितना ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची लग रहा है ना, अंदर से उतना ही सॉफ्ट है, क्योंकि इसमें भी जो स्टफिंग की है इन्होंने वो पनीर की ही की है। ये देखिए, अब मैं इसका टेस्ट करने जा रही हूँ। देखिए, ये काफी क्रंची है, सबसे अच्छा जो इन चारों में मोमो है, सीरियसली मुझे ये कुरकुरे मोमोज ही लगा, क्योंकि ये ऊपर से जब आप इसका बाइट लोगे ना
तो ये काफी क्रंची आपको लगेगा, काफी क्रिस्पी लगेगा। और जैसे ही इसका क्रंच खत्म होगा उसके बाद ये आपको अंदर से सॉफ्ट, एकदम से पनीर की जो स्टफिंग है वो काफी सॉफ्ट है। तो व्यूअर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सबसे अच्छे मुझे कुरकुरे मोमोज लगे, तो फर्स्ट नंबर तो मैं कुरकुरे मोमोज को दूंगी, लेकिन सेकंड नंबर मैं दूंगी शेजवान मोमोज को। इसके बाद मुझे जो अच्छे लगे सीरियसली वो शेजवान मोमोज थे, एंड थर्ड इज कोई भी हो सकता है, बट मेरे जो चॉइस में थे, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए वो कुरकुरे मोमोज और शेजवान मोमोज, और ये काफी रीजनेबल प्राइस पर है। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आप इसका कुरकुरे मोमोज ट्राई करना, और शेजवान मोमोज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि वाकई काफी टेस्टी है। तो व्यूअर्स, मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, और ये येलो बाउल कहाँ पर है इसका भी मैं आपको बता दूंगी, एड्रेस दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई होप मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।